ओबीसी जमरे के तहत 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने का मामला। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने की मुखालिफत और मजम्मत। बेंगलुरु के प्रेस क्लब में खिताब करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत ने समाजी इंसाफ पर हमला किया है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत का फैसला न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ है बल्कि गैर आइनी है, समाज में नफरत फैलाने वाला है। इन नुमाइंदों ने कहा कि मुख्तलिफ कमीशनों की रिपोर्ट्स, अदालत के मुख्तलिफ फैसलों ने पसमानदगी की बुनियाद पर मुस्लिम रिजर्वेशन को ज़रूरी और दुरुस्त करार दिया है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मेरा नाम जुनैद है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से हूँ। तो ये जो अभी हाल ही में कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी मुस्लिम्स का रिजर्वेशन जो था टू बी कैटेगरी के अंदर जिसको रद्द किया गया है, तो ये जो है हमारे सोशल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ, सोशल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। तो हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से इसका मुकाबला करना चाहते हैं। वो चाहे अलग अलग संगठनों के साथ जुड़कर लीगली इसको फाइट करना हो, या चाहे वो सड़क पर उतर कर इसके खिलाफ बात करना और प्रोटेस्ट करना हो। तो हमें एक और एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी लोगों में बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसको जो है एक अलग ही मुद्दे की तरह ना देखा जाए, ये जो हुआ है अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि इसको एक कंटिन्यूएशन की तरह देखा जाए। जो 2020 में न्यू एडुकेशन पॉलिसी आया था, जो मेजर कॉर्पोरेट्स जो बिजनेसेस होते हैं पब्लिक एडुकेशन सिस्टम को उस दिशा में पुश करता है, और इसके भी कंटिन्यूएशन में देखा जाए कि जैसे लास्ट ईयर 2022 में स्टेट गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी पीएचडी फेलोशिप्स को कम किया था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल निकाल दिया था, और कुछ महीने पहले ही सेंट्रल लेवल पे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को भी डिसकंटिन्यू किया गया। तो हमें इस ये जो अभी हुआ है रिसेंटली, इन कंटिन्यूएशन, इन सब चीज़ों के कंटिन्यूएशन में देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस जो लार्जर मुद्दा है ये उसको समझ सकें कि कैसे स्ट्रक्चरली और सिस्टम के अंदर से जो मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़ हैं हमारे समाज में, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। क्योंकि जो भी छोटे मोटे ज़रिए थे उनके समाज में डेवलप होने के, उन रास्तों को स्ट्रक्चरली और सिस्टमेटिकली कमज़ोर किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ताकि ये जो समाज है मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड क्लासेस, इनको कई दशकों और पीछे ढकला जाए डेवलपमेंट के आधार पर। तो हम इसको एक सोशल जस्टिस सिस्टम पे एक बहुत बड़े अटैक की तरह देखते हैं, और इसके खिलाफ हम एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे संगठन उनके साथ मिलकर, चाहे वो कानून के अंदर हो या बाहर, लड़ाई को जारी रखेंगे। So today's press meet is against the decision of the government to remove Muslims from the 2B category. This is a move that is not only anti-Muslim. This is a move that is anti-constitution. It is against society. It is an attempt by the BJP government to divide society, to spread, continue its hate mongering. If you look at the legal facts in this, the various BJP leaders have gone about making all kinds of wrong, misinformed statements, and a lot of misinformation is being spread. They say that giving reservation to Muslims is unconstitutional. That is absolutely improper. In fact, the constitution specifically says, both Article 15 and Article 16, it provides for reservation for socially and educationally backward classes of citizens. The Supreme Court in Indira Sawhney's case has looked into this and said that this is not only meant for Dalits, for Adivasis, this is meant for socially and educationally backward classes. There is a process of identification, and in fact the Supreme Court in that case even refers to the reservation that is given to Muslims in Karnataka. It says that you must have a backward class commission who will look into this and identify those classes of persons who are socially and educationally backward, and that has to be done. Muslim community has been identified as a socially and educationally backward class. The Sachar committee report has looked at various parameters on education. It has looked at financial accessibility. It looked at government jobs. It has looked at all of these aspects, and it has come to the conclusion that there is an absolute need to do this. In Karnataka, the Hafnur Commission report has looked into this. The Chinnappa Reddy Commission has looked into this, and it is on the basis of this that reservation has been given. Now they have removed this reservation. What study did they do? No empirical data, no study has been done.
absolutely no study without any data, without any basis, they go and remove this. What is the meaning of this? And you do it just 5 days before elections, you do it in the last cabinet meeting, and then you're making statements saying that we will use this as the as a means to as a form of campaign that we have removed reservation. What kind of a party, is saying that we have withdrawn facilities from someone who's socially and educationally backward, and we are going to use this as if that's something that's great that has been done. It is absolutely, you know, we have to identify this for what it is. It is an attack on equality, it is an attack on society at large, and all of us really have to come out and stand out against this. Maitri, All India Lawyers Association for Justice.